बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गला मंडी पिपना की जानिब से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन गिरामी, ज़रई अजनास के हवाले से अपडेट देते चलें। अजनास में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने की वजह से इन्वेस्टर और स्टॉकिस्ट परेशान। क्या गंदम तेज़ी के साथ नीचे आएगी? मूंग और चना की क्या सूरत हाल रहने की तवक्कोआत हैं? आने वाले दिनों में सबसे अहम फसल सरसों और कैनोला की है। मौजूदा हालात में कैनोला का सीज़न शुरू हो चुका है और गला मंडी पिपला में कैनोला दिन ब दिन अपने अरूज पर आता जा रहा है। ये तमाम हेडलाइन इस मूवी का हिस्सा रहेंगी। सबसे पहले मूंग के बारे में आगाह करते चलें कि मूंग मार्केट एक बार फिर स्टक हो चुकी है। मार्केट का रुक जाना इसलिए सामने आ रहा है कि डिमांड एंड सप्लाई तकरीबन बराबर बराबर चल रही है। अगर स्टॉक्स मजबूत है तो मिलर्स भी काफ़ी मजबूत हो चुका है। इन्वेस्टर तकरीबन मूंग से निकल चुका है और कैनोला की तरफ आते हुए खरीदारी शुरू हो चुकी है। आज गला मंडी पिपला में मूंग ना होने के बराबर थी। 7,500 रुपए से लेकर 7,800 रुपए फी मन तक रेट रिकॉर्ड किए गए, लेकिन फैसलाबाद में 50 रुपए कमी के साथ 8,700 रुपए फी मन रहा। सरगोधा मार्केट 8,400 रुपए, जबकि सिंध हैदराबाद में मजीद कमी देखते हुए 8,150 रुपए फी मन रहा। बाजरा मार्केट में कोई तेज़ी देखने में ना आई और फैसलाबाद मार्केट में 3,200 रुपए, सरगोधा में 3,200 रुपए, जबकि मुल्तान में 50 रुपए की छलांग लगाते हुए 3,250 रुपए रेट रिकॉर्ड किया गया। और मेहरीन का ये भी कहना है कि 8,000 तक ये छलांग बआसानी लगा सकती है। सरसों और कैनोला मार्केट में आज बहुत बड़ी तेज़ी देखने में आई। गला मंडी पिपला में कैनोला 8,560 रुपए और मुल्तान में 8,500 रुपए फी मान रेट रिकॉर्ड किया गया। नाजरीन, ये वाजे रहे कि सख्त धूप की वजह से माल खुश्क आना शुरू हो चुका है। आज तकरीबन गला मंडी पिपला में आने वाले माल का मास्टर 10 से 15% रहा। कैनोला की औसत भी तकरीबन 25 मन फी एकड़ तक नोट की गई है। इस कैनोला का आयल फी 40 किलोग्राम से 17 से 18 किलो आयल निकाला जा रहा है। गंदम मार्केट में जाते हुए मार्केट तेजी के साथ नीचे आ रही है। आज गला मंडी पिपला में 4,700 रुपए फी मान रेट रिकॉर्ड किया गया। नाजरीन, गंदम अब दिन ब दिन नीचे आ जाएगी क्योंकि नई फसल के आने में तकरीबन 20 से 25 दिन बाकी हैं। और ये बात भी वाजे रहे कि तमाम तार पाबंदियों का भी सामना है। इन पाबंदियों को देखते हुए लोडर्स गंदम के नज़दीक बहुत कम लग रहा है। चना मार्केट की जाने पड़ते हुए चना मार्केट फिलहाल मिला जुला रुझान रहा। महरीन के अंदाजे के मुताबिक ये साल चने की फसल काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो चुकी है। कराची के ज्यादातर इन्वेस्टर बुकिंग वाले माल में नुकसान करके निकल चुके हैं और हमारे नजरिए के मुताबिक इस वक्त सरगोधा, फैसलाबाद और दीगर मंडियों में चने की मकदार बहुत कम है। दूसरा, फसल भी न होने के बराबर है। दालों का विक्रय भी भरपूर है। मिलर तो हर रेट में माल ले रहा है, लेकिन जो कंडीशन नजर आ रही है, एक तो थल VIP माल 7,500 रुपए में काम हो गए हैं। ग्वारा मार्केट की जाने बढ़ते हुए आज 16,200 रुपए फी क्विंटल रेट रिकॉर्ड किया गया और ये भी वाजे रहे कि ये 30-70 का रेट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।